एक पुराने हवेली के कमरे में, जिसे सब भूतिया कमरा कहते हैं, एक रहस्यमयी कहानी छुपी हुई है। इस कमरे की सुरक्षा एक अद्भुत महिला द्वारा की जाती है, जिसे लोग रोती हुई दुल्हन के नाम से जानते हैं। उसकी दर्दनाक मौत एक पुराने बाथटब में डूबकर हुई थी, और अब वह अपनी आत्मा के साथ इस कमरे को सुरक्षित करती है। हर रात जब चांद की चांदनी कमरे पर पड़ती है, उसकी भयानक चीखें सुनाई देती हैं। वह उन पतियों को खोजती है जो अपनी पत्नियों से धोखा करते हैं। अपनी आँखों में अदृश्य आंसू और चेहरा पर गुस्से का डर, वह उन धोखेबाज पतियों को बेरहमी से सजा देती है। कमरा रात भर सन्नाटे और डर से भरा रहता है, जैसे ही रोती हुई दुल्हन अपने खौफनाक मिशन पर निकलती है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस कमरे में अकेला रात बिताने की हिम्मत करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। क्या आप भी ऐसी हॉरर स्टोरी वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड करके कमाई करना चाहते हैं, वह भी बिना किसी खर्च के? तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप फ्री में AI टूल्स की मदद से हॉरर स्टोरी वीडियो बना सकते हैं, वह भी बिना किसी खर्च के। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो का हर स्टेप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आप भी बिना किसी परेशानी के अपनी खुद की AI हॉरर स्टोरी वीडियो बना सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी हॉरर स्टोरी वीडियो के लिए स्टोरी चाहिए, तो अपनी हॉरर वीडियो के लिए स्टोरी हम ChatGPT से लिखवाएंगे। इसके लिए हम ChatGPT पर आएंगे और इस बॉक्स में अपनी हॉरर स्टोरी लिखवाने के लिए हमें यहाँ प्रॉम्प्ट लिखना है। मैंने एक प्रॉम्प्ट पहले से लिखा हुआ है, जिसे मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यह प्रॉम्प्ट हमें हमारी हॉरर वीडियो के लिए स्टोरी जनरेट करने के साथ साथ इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट भी जनरेट करके देगा। यह प्रॉम्प्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड्स इंतजार करने के बाद ChatGPT ने हमें हमारी हॉरर वीडियो के लिए स्टोरी, इमेज प्रॉम्प्ट और हमारी हॉरर स्टोरी में इस्तेमाल होने वाले सूटेबल साउंड इफेक्ट्स की जानकारी जनरेट करके दे दी है। अब हमें हमारी वीडियो के लिए स्टोरी तो मिल चुकी है, अब हम अपनी हॉरर वीडियो के लिए इमेज जनरेट करेंगे। तो अपनी हॉरर वीडियो के लिए इमेज क्रिएट करने के लिए हम एक फ्री वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है leonardo.ai। इससे हम अपनी हॉरर वीडियो के लिए इमेज जनरेट कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल फ्री और रियलिस्टिक तरीके से। सबसे पहले अपने ब्राउजर में leonardo.ai टाइप करके सर्च करना है और पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे और टेम्प मेल से साइन अप कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर यूजर नेम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आप कुछ भी यूजर नेम रख सकते हैं। उसके बाद आपसे जो भी परमिशन मांगे, उसे आपको अलाउ कर देना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद लियोनार्डो पर आपको 150 क्रेडिट मिल जाएंगे, जिनसे आप इमेज और वीडियो दोनों क्रिएट कर सकते हैं, और लियोनार्डो पर आपको यह 150 क्रेडिट रोजाना मिलते हैं। अब अपनी वीडियो के लिए हमें इमेज जनरेट करना है, तो इसके लिए यहाँ इमेज क्रिएशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। इसके लिए यहाँ क्लिक करके इमेज डायमेंशन को 16:9 सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से नंबर इमेज सिलेक्ट कर लीजिए कि एक बार में आप कितनी इमेज जनरेट करना चाहते हैं। अब इमेज जनरेट करने के लिए हमें इस बॉक्स में अपना प्रॉम्प्ट एंटर करना है। तो प्रॉम्प्ट के लिए हम वापस ChatGPT में चलेंगे और अपने पहले इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और इस बॉक्स में लाकर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ जनरेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद लियोनार्डो ने हमें यहाँ 4 इमेज जनरेट करके दे दिए हैं। अब यहाँ जो इमेज आपको पसंद आती है, उसे इमेज को आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अब इसी तरह सभी प्रॉम्प्ट्स हमें यहाँ इमेजेस जनरेट कर लेनी है। अब यहाँ पर क्रेडिट खत्म हो जाते हैं तो आप दूसरे टेम्प मेल से अकाउंट क्रिएट करके अपनी इमेज जनरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी इन इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम ब्राउजर में टाइप करेंगे aivideogenerator.me, पहली वेबसाइट को ओपन करेंगे, स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ साइन इन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे और यहाँ भी हम टेम्प मेल से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ फ्रॉम इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक करके अपनी पहली इमेज को यहाँ इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ इस बॉक्स में हमें वह प्रॉम्प्ट एंटर करना है, जो भी मोशन हम अपनी इस वीडियो में देना चाहते हैं। अगर आप अपने से कोई प्रॉम्प्ट यहाँ नहीं लिखना चाहते, तो प्रॉम्प्ट के लिए हम वापस ChatGPT पर आएंगे और अपनी इस इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ इस बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग के बाद हमारी इमेज यहाँ वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारी इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसे आप यहाँ प्ले पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को डाउनलोड करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे
और डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। अब इसी तरह अपनी दूसरी इमेज को यहाँ इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए पहले इस इमेज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अपनी दूसरी इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। वापस चैट जीपीटी में आएंगे और अपनी दूसरे इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और इस बॉक्स में ला करके पेस्ट कर देंगे। वापस जनरेट पर क्लिक करेंगे और कुछ देर प्रोसेसिंग के बाद हमारी दूसरी इमेज भी वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसे हम यहां से डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसी तरह आप वन बाय वन अपनी सभी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे। इस वेबसाइट पर आपको रोजाना 3 क्रेडिट मिलते हैं, जिनसे आप 3 वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। आपके 3 क्रेडिट खत्म हो जाते हैं तो आप दूसरे टेम्प मेल से अपना नया अकाउंट क्रिएट करके अपनी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम 11 लैब्स का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो अपनी खुद की आवाज में अपनी वीडियो के लिए वॉइस ओवर कर सकते हैं। 11 लैब्स को ओपन कर लेना है और इस बॉक्स में अपनी स्टोरी को पेस्ट करना है तो स्टोरी के लिए वापस चैट जीपीटी पर आएंगे, अपनी स्टोरी को कॉपी करेंगे और 11 लैब में आकर इस बॉक्स में पेस्ट करेंगे और यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके उस वॉइस को सेलेक्ट कर लेंगे जो आप अपनी वीडियो में रखना चाहते हैं। तो अभी मैं यहाँ नील कैरेक्टर की वॉइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए यहाँ जनरेट स्पीच पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड की प्रोसेसिंग के बाद हमारी स्टोरी वॉइस ओवर में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ प्ले पर क्लिक करके आप अपने वॉइस ओवर को सुन सकते हैं। अब वॉइस ओवर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारा वॉइस ओवर डाउनलोड हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम अपनी हॉरर वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करेंगे। इसके लिए हम चलेंगे पिक्साबाय वेबसाइट पर, यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से साउंड इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ सर्च बार में वह साउंड इफेक्ट सर्च करना है जो हमें डाउनलोड करना है। तो चैट जीपीटी ने हमें हमारी वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट्स के लिए भी प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके दिए हैं। तो हम वापस चैट जीपीटी पर आएंगे और अपनी पहली इमेज के साउंड इफेक्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ बॉक्स में पेस्ट करके सर्च करेंगे। अब हमारे सामने यहाँ बहुत से साउंड इफेक्ट आ चुके हैं, जिन्हें आप यहाँ प्ले पर क्लिक करके सुन सकते हैं। जो साउंड इफेक्ट आपको अच्छा लगता है आपको साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारा साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह दूसरे प्रॉम्प्ट से अपने साउंड इफेक्ट को फाइंड करके डाउनलोड कर लेंगे। अब आता है हमारा फाइनल स्टेप एडिटिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैप कट का। तो कैप कट को ओपन करेंगे और अपनी वॉइस ओवर वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले अपनी वॉइस ओवर को टाइमलाइन पर लेकर आएंगे। अब अपने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग सभी वीडियो को हमें यहाँ टाइमलाइन पर एडजस्ट कर लेना है। अभी हमारी वीडियो में वाटर मार्क नजर आ रहा है तो वाटर मार्क को हाइड करने के लिए हम अपनी वीडियो को थोड़ा जूम कर लेंगे, जिससे वाटर मार्क हाइड हो जाए। अब अपनी वीडियो में हम यहाँ हॉरर ट्रांजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ट्रांजिशन पर आएंगे, ओवरले में आएंगे। अब यहाँ से हम अपनी वीडियो में व्हाइट स्मोक या ब्लैक स्मोक ट्रांजिशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ज्यादातर हॉरर वीडियो में व्हाइट स्मोक या ब्लैक स्मोक ट्रांजिशन का ही इस्तेमाल किया जाता है और यही ट्रांजिशन हॉरर वीडियो में ज्यादा अच्छी भी लगती है। तो मैं जल्दी जल्दी ट्रांजिशन अप्लाई कर देता हूँ। अब अपनी वीडियो में हॉरर लुक देने के लिए इफेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए इफेक्ट्स पर आएंगे और अपनी वीडियो के सीन के अनुसार जो भी इफेक्ट्स आपको सूटेबल लगता है उस इफेक्ट्स को आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर लेंगे। तो अभी मैं जल्दी जल्दी सूटेबल इफेक्ट्स अप्लाई कर देता हूँ। अब अपनी हॉरर वीडियो को वास्तव में हॉरर वीडियो बनाने के लिए इसमें साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो जो साउंड इफेक्ट्स अभी हमने डाउनलोड किए थे उन सबको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो में अप्लाई करेंगे। अब एक बार अपनी वीडियो को यहाँ प्ले करके देख लेना है। अगर वीडियो में आपको कुछ कमी लगती है तो अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पर आप उसे एडजस्ट कर लेंगे। अब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे और ये है हमारी वीडियो का फाइनल आउटपुट। एक पुराने हवेली के कमरे में, जिसे सब भूतिया कमरा कहते हैं, एक रहस्यमयी कहानी छुपी हुई है। इस कमरे की सुरक्षा एक अद्भुत महिला द्वारा की जाती है, जिसे लोग रोती हुई दुल्हन के नाम से जानते हैं। उसकी दर्दनाक मौत एक पुराने बाथटब में डूबकर हुई थी और अब वह अपनी आत्मा के साथ इस कमरे को सुरक्षित करती है। हर रात जब चांद की चांदनी कमरे पर पड़ती है, उसकी भयानक चीखें सुनाई देती हैं। वह उन पतियों को खोजती है जो अपनी पत्नियों से धोखा करते हैं। अपनी आंखों में अदृश्य आंसू और चेहरा पर गुस्से का डर, वह उन धोखेबाज पतियों को बेरहमी से सजा देती है। कमरा रात भर सन्नाटे और डर से भरा रहता है, जैसे ही रोती हुई दुल्हन अपने खौफनाक मिशन पर निकलती है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस कमरे में अकेला रात बिताने की हिम्मत करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है
तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ।